प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक प्रकार की चार प्रॉब्लम्स समझा रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स जो है वे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं। देखिए, आज की हमारी प्रॉब्लम्स हैं 56 की घातांक 1/7 को 55 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि 56 की घातांक 1/7 का मतलब यह है कि 56 को 56 से 107 बार आप गुणा करेंगे, उसके बाद जो फल आपको प्राप्त होगा उसको आप 55 से भाग देंगे, तो भाग करने के बाद जो शेष फल बचेगा वह आपको ज्ञात करना है। तो यदि जो बात मैंने आपको भी बताई कि 56 को 56 से 107 बार आप गुणा करें और जो गुणनफल प्राप्त हो उसको आप 55 से भाग करके फिर शेष फल ज्ञात करें, तो ऐसा करने में तो काफ़ी समय व्यतीत होगा और गलती भी होने की बहुत संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार से नहीं किया जाता है। इनके करने की दूसरी विधि है, टेक्निक है, वो आपको मैं समझाऊंगा। अभी आप प्रश्न को स्पष्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से एक प्रश्न है 87 की घातांक 105 को 86 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से एक प्रश्न है 48 की घातांक 504 को 47 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल ज्ञात कीजिए। और एक प्रश्न है 51 की घातांक 348 को 50 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल ज्ञात कीजिए। ये आपको मैंने चार उदाहरण दिए हुए हैं। चार उदाहरण इसलिए दिए हैं जिससे कि मैं आपको जो नियम है, जो बात है बतलाना चाह रहा हूँ, वह आपकी समझ में आसानी से आ जाए और मैं भी आपको भली प्रकार से समझा सकूँ। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास एक नियम यह है कि x प्लस 1 की होल घातांक n को यदि हम x से भाग करेंगे तब हमें 1 प्राप्त होगा। शर्त यह है कि यहाँ पर होना चाहिए प्लस का निशान, माइनस का नहीं। माइनस वाले सवाल अगर मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ है x माइनस 1 की घातांक n, तो इसको जब x से भाग किया जाएगा तो कितना शेष बचेगा, इसके संबंध में मैं आपको ये अगले वीडियो में बतलाऊंगा। आज जो मैंने प्रश्न लिए हैं उसमें यहाँ पर सब में प्लस है, ठीक। तो इस प्रकार का नियम यह है कि x प्लस 1 की होल घातांक n को x से भाग देने पर प्राप्त फल, प्राप्त शेष फल 1 होता है। ये तो नियम है, लेकिन इस नियम के अंतर्गत एक शर्त यह है कि x का मान जो है वह 1 से मतलब 1 एक नहीं के अतिरिक्त अन्य कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, मतलब यहाँ पर x के स्थान पर 1 नहीं होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम कह दें 1 प्लस 1 की घातांक 305 को 1 से भाग देने पर, क्योंकि यहाँ पर x का काम ये कर रहा है, x 1 से भाग देने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा, तो 1 से भाग देने पर तो सदैव किसी भी संख्या को आप 1 से भाग दीजिए शेष फल 0 ही प्राप्त होता है, चाहे संख्या धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे परमेय हो, चाहे अपरमेय हो, किसी प्रकार की संख्या हो, यदि आप उसे 1 से भाग दे रहे हैं तो शेष फल सदा 0 प्राप्त होगा। प्रत्येक संख्या जो है 1 से पूरी पूरी विभाज्य है, इसलिए शेष फल 0 प्राप्त होगा। लेकिन यदि यहाँ पर x में x का मान 1 के अतिरिक्त कुछ है, x बराबर 1 ना हो, इसके अतिरिक्त कुछ और भी हो, तो हमारे लिए जब x प्लस 1 की घातांक n को हम x से भाग देंगे तो हमारे लिए शेष फल 1 प्राप्त होगा, चाहे n का। और ये शर्त और भी है, x का मान जो है धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। यदि x का मान भिन्नात्मक है
तब क्या स्थिति बनेगी इसको मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। आज मैं जो आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूं वहां पर मैंने ये मान के चल रहा हूं कि x का मान जो है पूर्णांक है, भिन्नात्मक या अपर में नहीं है। क्लियर? तो जब हम इसको x से भाग करेंगे तो एक प्राप्त होगा। x का मान कैसा होगा? एक तो बात यह है कि एक नहीं होगा, दूसरी बात यह है कि धनात्मक होगा और पूर्णांक होगा। अब इसमें ये n घातांक जो है इसमें जो है केवल प्रतिबंध ये है कि ये धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, सम हो विषम हो इससे को मतलब नहीं है। अगर सम है घातांक तब भी नियम लागू हो जाएगा, ये विषम है तब भी लागू हो जाएगा, लेकिन हाँ घातांक जो है पूर्णांक होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपको इस बात की भली प्रकार से जानकारी होगी होगी, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सब बातों की जानकारी होगी। धनात्मक से क्या मतलब है, ऋणात्मक से क्या मतलब है, पूर्णांक से क्या मतलब है, भिन्नात्मक से क्या मतलब है, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इन सब की आपको जानकारी होगी। तो ये नियम जो है वह आपका सही है यदि एक्स का मान एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य धन पूर्णांक है और n जो है धनात्मक पूर्णांक है, चाहे सम हो चाहे विषम हो। तो जब इसको हम x से भाग देंगे तो हमारे लिए सदैव एक ही प्राप्त होगा। एक शर्त और भी है यहाँ पर जो है वो एक ही होना चाहिए, दो नहीं हो सकते हैं, तीन नहीं होंगे, पांच नहीं होंगे, तब तो फिर ये नियम नहीं लगेगा। यहाँ पर शर्त यह है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर राशि लिखी हुई है वह x प्लस एक के रूप में ही लिखी हो और x का मान एक ना हो। क्लियर? तो अब देखिए ये चार हमने उदाहरण लिए हैं, ये चारों उदाहरण जो है इन्हीं नियम के आधार पर बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए ये पहले वाले उदाहरण के अंदर जो घातांक है वह विषम है, n का मान यहाँ पर कितना है, n बराबर इसमें कितना है 107, ये कैसी हो गई विषम। इसमें n बराबर कितना है 105, ये घातांक कैसी हो गई विषम। इसमें n बराबर कितना है 504, ये कैसी हो गई सम। और यहाँ पर n बराबर कितने के है 348, ये कैसी हो गई सम। तो घातांक जो है जो n का मान है तो सब पॉजिटिव, इससे कोई मतलब नहीं है कि सम है विषम है। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, हमें 55 से भाग देना है तो ये प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 56 की घातांक 1/7 लिखा हमने ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 55 प्लस 1 की होल घातांक 7। अब ये जो प्रश्न हमारा दिया हुआ था इस रूप में आ गया, यहाँ पर x का काम 55 कर रहा है, इसलिए अगर हम इसको 55 से भाग देंगे अर्थात इसको 55 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 1। तो हमने लिख दिया 56 की घातांक 107 को 55 से भाग देने पर प्राप्त फल बराबर 1 उत्तर। क्लियर? इसी प्रकार से ये पहला प्रश्न हो गया आपका। इसी प्रकार से आपका दिया है 87 की घातांक 105 और 87 को भाग देना चाहते हैं हम 86 से, तो इसको हम 86 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, तब तो ये प्रश्न इस नियम के अंतर्गत आएगा, और नहीं लिख सकते हैं तो इस नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो 87 की घातांक 1/5 को लिख सकते हैं हम 86 प्लस 1 की होल घातांक 1/5 और यहाँ पर x का काम कितना कर रहा है 86, तो 86 से भाग देने पर कितना मिलेगा शेष 1, और उसने यही पूछा है 86 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे 87 की घातांक 105 को 86 से भाग देने पर प्राप्त स
शेष फल बराबर एक। इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न भी हो गया, दूसरा भी हो गया। ये जो दो उदाहरण लिए थे मैंने, इसमें एन का मान विषम धनात्मक संख्या थी, पूर्णांक थी। अब हम जो उदाहरण दो ले रहे हैं उसमें एन का मान धनात्मक है और सम है, तो उसमें भी यही नियम लागू होगा। बस शर्त यह है कि दी गई संख्या को हम एक्स प्लस एक एक के रूप में लिख सकें, जहाँ पर x वह संख्या है जिससे भाग दिया जाना है। तो अब देखिए, ये हमारा ये लिखा है 48 की घातांक 504, तो इसे लिख सकते हैं हम 47 प्लस 1 की होल घातांक 504। अब इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर x का काम कर रहा है 47, अर्थात इसे 47 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होगा, लेकिन ये राशि जो है, ये संख्या जो है वह इस संख्या के बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं हम 48 की घातांक 504 को 47 से भाग देने पर प्राप्त फल, प्राप्त शेष फल, प्राप्त शेष फल बराबर एक। अब एक उदाहरण और है आपके पास, ये 51 की घातांक 348 को 50 से भाग दे रहे हैं। तो अब हम इसको अगर इस रूप में लिख सकते हैं x प्लस एक के रूप में, जहां x वह संख्या है जिस समय भाग देना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शेष फल एक प्राप्त होगा, और नहीं लिख सकते हैं अगर तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो आप देखिए, 51 की घातांक 348 लिखे हुए हैं, इसे लिख सकते हैं हम 50 प्लस 1 की घातांक 348। इसको हमने x प्लस 1 की घातांक n के रूप में लिख दिया, तो यहाँ पर x का काम कर रहा है 50, इसलिए इसको अगर हम 50 से भाग देंगे तो शेष फल प्राप्त होगा एक, और ये राशि इसके बराबर है, इसलिए इस राशि को जब हम 50 से भाग देंगे तो शेष फल कितना प्राप्त होगा, एक। तो आप लिख दीजिए 51 की घातांक 348 को 50 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल बराबर एक उत्तर। इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न हो, शर्त यह है कि जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसे x मानेंगे, और जो राशि दी गई है ब्रैकेट के अंदर जो आधार है, इसे हम आधार बोलते हैं और इसे घातांक बोलते हैं, जो आधार है उसको हम x प्लस एक के रूप में लिख सकते हो। एक आपको मैं उदाहरण और दे देता हूँ समझाने के लिए, n का मान धनात्मक होना चाहिए, सम है विषम है कोई मतलब नहीं है, एक्स का मान जो है वो एक नहीं होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। यदि धनात्मक के अतिरिक्त ऋणात्मक है तो कैसे होगा, वो बात की बात है। यदि भिन्नात्मक होगा या परमेय होगा या परमेय होगा तो कैसे होगा, वो अलग बात, बात की बात है। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब मान लीजिए लिखा हुआ है 508 की घातांक 1125 और इसे हम भाग देना चाहते हैं किससे, 507 से, तो इसको लिख सकते हैं हम 507 प्लस 1 की होल घातांक 1125। अब यहाँ पर x का काम कितना कर रहा है, 507, इसका मतलब ये हुआ इसको अगर हम 507 से भाग देंगे तो शेष फल कितना प्राप्त होगा हमारे लिए, एक। और ये राशि इसके बराबर है, 507 प्लस 1 बराबर 508 आ गया, और की घातांक 1125 यहाँ पर भी है, घातांक 1125 यहाँ पर भी है, तो ये इसका परिवर्तित रूप है और इसको हमने इस रूप में लिख लिया। यहाँ पर n का काम 1125 कर रहा है, x का काम 507 कर रहा है, इसलिए इसे अगर हम 507 से भाग देंगे तो शेष फल 1 प्राप्त होगा। तो आप तुरंत लिख दीजिए 508 की घातांक 1125 को 507 से
भाग देने पर प्राप्त शेष फल बराबर एक उत्तर। इस प्रकार के प्रश्नों को आप स्वयं बना सकते हैं, आपके पास जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पुस्तक है उसमें मिल जाएंगे। पुराने प्रश्न पत्र अगर आपके पास हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं उनमें मिल जाएंगे। आप इनका खूब अभ्यास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। खास बात यह है कि जो नियम मैंने समझाया है उस नियम को आप भली प्रकार स्पष्ट कर लीजिए। दो शर्तें हैं, एक्स का मान एक नहीं होना चाहिए, एक्स का मान धनात्मक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। एन का मान धनात्मक होना चाहिए, चाहे सम हो चाहे विषम हो, लेकिन होना पूर्णांक चाहिए। इतनी बात को आप समझ लीजिए। तो अगर हम उसे x प्लस एक के रूप में लिख सकते हैं तो x से भाग देने पर शेषफल सदैव एक ही प्राप्त होगा। अब इसमें और जो मानस वाले हैं या घातांक सम है विषम है या परमेय है अपरमेय है, उस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनको मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। आप तब तक इन प्रश्नों पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, लाभ उठाइए। नमस्कार, धन्यवाद।